हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट सीज़न 2 के एक और एपिसोड में। मैं हूँ AK22 और पिछले भाग में आपने जैसे देखा था कि मेरे पास रेल ट्रैक्स के लिए आयरन कम पड़ गया था और मैंने काफ़ी सारी माइनिंग करी है। देखो मेरी फॉर्चून 3 और सिल्क टच वाली दोनों जो पिकैक्स हैं वो डिप्लीट हो गई है और उनको मुझे वापस सुधारना पड़ेगा। और ये मैंने थोड़ा सा माइनशाफ्ट जैसा बनाया है, ये मेरी फ़र्स्ट माइनिंग है, ये सेकंड वाली है और यहाँ पर मैंने पूरा बहुत दूर तक माइन करा है। अगर आप उसको उसका देखना है VOD वो वीडियो देखना है तो आप जाके मेरे ट्विच चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पब्लिश करी। मैं उसे डिस्कॉर्ड पे भी पब्लिश कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सारा आयरन, मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी ट्विच पे जब मैं आयरन ग्राइंड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता है लाइव स्ट्रीम करके। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना लाइव स्ट्रीम करें और दिखाऊं कि मुझे कितने आयरन्स मिले हैं, कहाँ कहाँ कितनी दूर तक मैंने माइन करा है। मुझे डायमंड्स भी काफ़ी सारे मिले हैं तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। पहले हम ऊपर चलें फिर देखते हैं। मेरे पास खाना भी ज़्यादा बचा हुआ नहीं है अभी। ओके, मुझे यहाँ पर इनको थोड़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग लगता है इधर से। और यहाँ से मुझे एक स्टेयर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं फटाफट ऊपर नीचे आ सकूं, क्योंकि मेरे पास खाना है अभी। ओके नाइस, और बस टूटने ही वाली है मेरी जो पिकैक्स है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस इसमें। और मेरे पास अभी मेंडिंग नहीं है इसलिए सेल्फ रिपेयर नहीं कर पाती, मुझे इसे डायमंड से ही रिपेयर करना पड़ता है। अगर मुझे डायमंड मेंडिंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अभी तक हमें मेंडिंग मिली नहीं है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आयरन डाल दिया था और यहाँ पर आयरन कलेक्ट हो रहा है। देखिए 2 stacks आ गए इसमें आयरन के, ठीक है, 1.5 stack इधर हैं और इसमें मैंने ओवर आयरन डाल के रखा है। मैं अभी इसको और मेरे पास 21 ओवर हैं आयरन के, ये भी डाल देता हूँ। नीचे कोल्ड तो लगा हुआ है ही तो ये चालू रहेगा, ठीक है। और मुझे देखना है मेरे पास कोल और कितना है, मैं थोड़े से और कोल ब्लॉक्स बना लेता हूँ ताकि मैं इसमें डाल सकूँ। ये कल रात में मैंने बैठ के ट्विच पे लाइव में कर रहा था, उस पे बैठ के मैंने सारे आयरन जितने भी हैं सबको करा है और माइन करा है। ये तो हो जाएगा, इसकी कोई फिक्र नहीं है। और देखते हैं हमें कितने मिलते हैं, अभी मेरे पास इतने हैं। और इन सब की मैं ट्रैक बना लेता हूँ, रेल ट्रैक्स सारे वेस्ट नहीं करूँगा मैं, जितना हमें यूज़ है उतने का यूज़ करके हम देखते हैं कि हमें कितने और लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई 2 stacks, अब मैं इसको प्लेस करके आता हूँ जब तक हमारा जो आयरन है वो स्मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट, हम हमारी बोट लेके चलते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे विलेजर्स को यहाँ तक लेकर आना है तो इसलिए मैं ये इतने सारी रेल्स लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना है कितने सारे कि कौन कौन विलेजर्स हैं जिनके हम ओपन कर सकते हैं ट्रेड्स और हमें क्या क्या एन्चेंटमेंट उन्हीं से मिल जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा AFK जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 1 stack कंप्लीट, 2nd stack। थोड़ी बहुत हमने माइनशाफ्ट से कलेक्ट करी थी मैसा बायोम की और बाकी ये जो है ये मैंने कल माइन करा है सारा आयरन, उससे मैंने ये रेल ट्रैक्स बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ओके, हमारी 2 डिप्लीट हो चुकी है, मुझे देखना है कि वहाँ तक हमें ले जाना है तो हमें शायद 2 और stack लगेंगे इसके, 2 से 2.5 stack और लगने वाले हैं हमें इसको कंप्लीट करने के लिए। मैं अपना आर्मर पहन लूँ okay. क्योंकि हमने थोड़ा दूर बनाया हमारा विलेजर ब्रीडर फार्म, इसलिए थोड़ा टाइम से लगेगा ही। अब इसके बीच में मुझे एक एक क्या कहते हैं उसे पावर रेल भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वापस चलते हैं हमारी बेस की तरफ और मुझे थोड़ा कंक्रीट पाउडर भी चाहिए रहेगा, मुझे मेरी बेस जो है इसको थोड़ा और कलरफुल बनाना है।
वापस चलते हैं ऊपर और देखते हैं हमारा आयरन। अभी मेरे पास एक स्टैक आयरन और पड़ा हुआ है, ये रहा एक स्टैक आयरन। नहीं ओके, तो मैं इसे कंबाइन कर लेता हूँ, 60 हो गई। अब हम देखते हैं हम कितना बना पाते हैं। ओके वाह, जितना हमें चाहिए था बराबर, देखो 6 2.5 एक्यूरेट 2.5 हमें स्टैक्स मिले हैं इसके। ओप हमें वापस ना आना पड़े इधर। कम से कम आपको 2 घंटे में अच्छे खासे आयरन मिल जाते हैं अगर आप सही जगह खोद रहे हैं तो। ठीक है, स्ट्रिप माइनिंग करते जाइए, डायमंड्स भी मिलेंगे। मैं आपको डायमंड्स बताऊंगा कि मुझे कितने सारे डायमंड्स मिले हैं। अब हमें इसमें बीच बीच में थोड़ी जगह पावर रेल लगानी पड़ेगी ताकि हम ईजिली यहाँ से उधर विलेजेस को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे से हम वापस लगाना शुरू करते हैं। मैं अगर ऐसे डायगोनली जाऊँ तो मुझे और सस्ता पड़ेगा, पर हम डायगोनली नहीं जा रहे हैं। ओई आहा, वहाँ तक लगी हुई है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है देख के उसे। अब बची हुई 32। ओके, तो यहाँ पर हमें कम पड़ रही है सिर्फ 2 रेल ट्रैक्स। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ से लेकर तो वहाँ तक, हमारा जो ब्रीडम फार्म है वहाँ तक पे। हमें अब थोड़ी सी और पावर रेल बनानी पड़ेगी ताकि हम सर्विस को थोड़ा और फास्ट बना सकें। ठीक है, और यहाँ पर मुझे थोड़े से और चेंजेस करने पड़ेंगे इस तरफ के। यहाँ पर मुझे एक हॉपर लगाना पड़ेगा, ड्रॉपर सॉरी, ताकि ये ऑटोमेटिक हो जाए। और ये जो विलेजर्स हैं इनको मुझे एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें बाहर निकाल सकूं, और ये ज़्यादा डैमेज ना खाएं एक दूसरे से, डैमेज क्या टकराए ना, जो हमें काम करना है वो काम कर लें हम। ठीक है, तो ये स्पेस रहेगी 2 ब्लॉक्स की, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ ताकि ये भागे ना यहाँ से। ठीक है, और ये वाला कितना है, 3 ब्लॉक्स है ये, 1 2 3 3 ब्लॉक्स। ओके इसे 3 ब्लॉक्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे उनको यहाँ पर लेकर आना है सभी को। फिर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ए कूदना बंद करो, क्यों देना बंद करे। ये हो गया पैक, इधर से इधर भी पैक कर देता हूँ, और अब इनके लिए एक रास्ता खोलना पड़ेगा मेरे को ताकि ये इस तरफ आ सकें। ठीक है, जो विलेजर्स हैं, तो मैं यहाँ से जो पानी आ रहा है इसको बंद कर देता हूँ। ओए हाँ, इसको बंद करो। ठीक है, रुको रुको, मुझे इनको नीचे गिराना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैंने गलती कर दी यहाँ पर इन्हें खड़ा करके। मुझे इसको ब्लॉक करना चाहिए था ताकि मैं ईजिली इनको अंदर ले जा सकूँ। उधर जाओ, ओके तो ये बकेट खाली कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके तो पहले मैं ये हटाता हूँ।
मुझे इनको अंदर लाने के लिए पहले सोचना चाहिए था, अभी अब इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो मैं वापस से जो डर्ट मैंने प्लेस करा था उसको वापस से प्लेस करते हैं यहाँ पर। पहले इनको थोड़ा सा पुश करें। तो चीज़ यहाँ पर मुझे टॉर्च लगानी है कि मॉब स्पॉन ना हो। ओके बाकी की जो बची हुई पार्टी है इनको नीचे धकेलते हैं। यहाँ पर हम पानी का ब्लॉक लगाते हैं। नाइस। नो ए गो दैट वे। हाँ अब ये चढ़ नहीं पाएगा ना। ओके ये हो गया, अब यहाँ से तो कोई चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है नो हाँ बच गए। यहाँ पर मैं वापस पानी का ब्लॉक लगा देता हूँ। ताकि ये वापस इसमें गिर जाए। गो डाउन। मुझे इनका जो सिस्टम था ऊपर नीचे ले जाने का, ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े अनाइंग हो जाते हैं। ओके तो चलो इनका तो कर दिया मैंने, अब ये नीचे गिर जाएं। फिर हम इन्हें बोट से यहाँ पर लेके आ सकते हैं इस तरफ। बोट रखी हुई है शायद एक, हम पहले सो जाते हैं ताकि यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन ना हो। हेलो देयर बॉडी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। साला सोने नहीं देता है। ओके ऑलराइटी इट्स डे टाइम, गुड। हमको तलवार निकाल लेनी चाहिए हमारी। इसमें एक बोट है। क्राफ्टिंग टेबल नहीं रखा है क्या मैंने? नोप। है हमारे पास एक। ओके जनसंख्या बहुत ही बढ़ गई है इनकी। ठीक है तो इसको बिठाते हैं हम इसमें कि ये बैठ गया। राइट ही एक ये भी बचा हुआ है, क्योंकि जब तक हम सारे विलेजर्स को यहाँ से नहीं निकालेंगे जब तक दूसरे विलेजर्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। Yeah.
तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाले विलेजर्स को इस पिट में गिराना है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं एक कार्ट छोड़ दूँगा, माइन कार्ट। ठीक है, ये रही, तो ये ऊपर नीचे होती रही क्योंकि ऊपर आने का रास्ता नहीं है। अरे शिट शिट शिट, मुझे एक पावर रेल हटानी है से, ये वाली। ठीक है, देखें, यप, अब ये ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉपर लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ से जैसे ये निकल के जाए तो वापस रिटर्न वापस ना आए यहाँ से। ओके, और यहाँ से ये विलेजर्स को एक ऐसा बनाऊँगा ताकि ये ऊपर चढ़ के आए और सीधा इस पिट में जाके गिरे। ठीक है, पिट में जैसे गिरेगा वहाँ पर ये माइन कार्ट में फंस जाएगा और फिर माइन कार्ट ऊपर से निकल के सीधे हमारे घर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे पावर रेल लगाना है इसमें, पावर रेल अभी लगाना बाकी है। हमने रेल्स तो पूरी लगा दी है, अब हमें करना है इंतज़ाम हमारी पावर रेल्स का। ओके, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि कोई चढ़ के उस तरफ ना जा सके। ठीक है, ओके, तो मेरे पास आ गई चीज़ें सारी, अब हम चलते हैं वापस हमारी बेस की ओर। यहाँ पर एक बाकी है, मैंने पावर रेल उठाई नहीं शायद वहाँ से। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीट। ठीक है, अब हमको बनाना है, क्या बनाना है, रेल, वो भी पावर रेल। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ। ओके, हमारे पास गोल्ड। ओके, तो धीरे धीरे हमारा आयरन जो है वो हो जाएगा। ये देखो, पावर रेल के आपको चाहिए रहता है गोल्ड, वो भी ढेर सारा गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर रेडस्टोन है हमारे पास, रेडस्टोन तो है, स्टिक है, गोल्ड चाहिए हमारे पास। गोल्ड की हमारे पास कितनी कमी है वो देखना पड़ेगा। ओके, इतना वैसे मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, इतना सफिशिएंट है इतना हमारे पास, मे बी। ठीक है, ये देखो इतना है और ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, एक 8 ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, इतने हो जाने चाहिए वैसे, इनफ। लेट्स सी हम कितनी पावर रेल बना सकते हैं पहले तो। ठीक है, आपको रेडस्टोन चाहिए रहता है, रेडस्टोन इधर रखने का, बीच में स्टिक और फिर आसपास गोल्ड, तो इससे आपकी एक मतलब 6 गोल्ड से आपको 6 पावर रेल मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया 12, 18 पावर रेल आ गई हमारे पास। 18 मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए कि नहीं, स्पीड उसकी ज़्यादा बढ़े ना बढ़े पर फास्ट इतनी मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। चलो हम सारी यूज़ कर लेते हैं, हमें बाद में और काम आएगी। ठीक है, बस इतना गोल्ड हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास आई है पूरी 54 पावर रेल आ गई है। ठीक है, और ये देखो इसमें मेरे पास अभी भी ये जो मैंने माइन करा था इसमें अभी मेरे पास 1, 2, 3 and 5 ऑलमोस्ट 4 स्टैक्स ऑफ आयरन पड़ा हुआ है, और मुझे आयरन डायमंड्स भी मेरे पास 2 स्टैक हो गए हैं, 10 ओर कंप्लीट हो गए हैं मेरे पास, 10 डायमंड ओर हैं। गोल्ड भी मुझे मिला था पर इतना ज़्यादा नहीं मिला था। ठीक है, हमारे पास 64 हो गए हैं पावर रील। अब हमें इसे सिर्फ लगाना है बीच बीच में जितनी भी जगह छूटी हुई है।
ठीक है, अगर आपको देखना है मेरी जो मैंने कल माइनिंग करी है और कितने सारा मुझे आयन मिला है, तो आप मेरी ट्विच पे जाके हाईलाइट पे जाके देख सकते हैं। मेरा उसका नाम होगा शायद क्या था माइनक्राफ्ट आयरन ग्राइंड, आयरन ओवर ग्राइंड करके है ट्विच पे, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे मेरे जो है हथियार वो मुझे ठीक करना है क्योंकि टूट गए हैं। और मेरा एनविल किधर गया है? ए वेयर इज़ माय एनविल? एनविल टूट गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे है, नीचू है, नीचू। मेरा सिल्क टच ये है, ठीक है, तो मैं इसे उठा लेता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है चेस्ट, तो यहाँ पर जो ये ऊपर से गिरा है ये भी टूटने वाला है। तो आपको रिपेयर कैसे करना है, अगर आपके पास मेंडिंग नहीं है आपके इसमें, तो आपको चाहिए रहते हैं वही और जिससे वो बनी हुई है, ठीक है, वही मटेरियल। तो हमारा डायमंड है और ये 75% डिप्लीट हो चुका है, 25% ही बचा है, तो हमें एक डायमंड भी पूरा नहीं होगा। और इसके साथ आपके एक्सपीरियंस भी लगता है, जितना ज़्यादा आप इसको एनचेंट मतलब कि ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। ये देखिए 3 डायमंड में हमारा ये फुल्ली रिपेयर हो गया हमारा सिल्क टच, और इसमें हमारे 4 XP 4 लेवल कॉस्ट होते हैं लगते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमें शायद 4 ही लगेंगे, 1 2 3 4। अब ये देखो कि इसमें जो है हमारे एन्चेंटमेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें अब ज़्यादा लेवल अप हो रहा है शायद। और ये इसमें हमें लगे हैं पूरे 4 डायमंड्स इसे इंचेंट क्या करने, रिपेयर करने के लिए, ठीक है। हमारा शवल भी ख़राब हो गया था, हमें शवल भी रिपेयर करना है, और शवल में इतने वो नहीं है तो इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। देखो 3 लेवल ही लग रहे हैं क्योंकि इसमें इंचेंटमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा लगे हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ नाम, और नाम चेंज करने के देखते हैं कितने लगते हैं हमें। नहीं लग रहा, 1 लेवल लगेगा बस। ओके, इसमें मेंडिंग हमारे पास किसी में भी नहीं है, तो हमारे टोटल 9 डायमंड, 3 3, इसमें भी 3 लगे हैं क्या शायद, एक में 4 लगे हैं किसी में, तो इसमें शायद 4 लगे हैं। ओके, तो हमारा देखो 35 लेवल था, हमारा 16 आ गया है क्योंकि हमने रिपेयर करे हैं हमारे सारे टूल्स, अब रिपेयर हो गए। और इसमें एंड ब्रेकिंग है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास डायमंड्स भी अभी काफ़ी सारे हैं, तो अब हमको क्या करना है, हमें इस यहाँ पर रेल पर हमें इसे बीच बीच में पावर रेल लगानी है ताकि ये यहाँ पर आ जाए। अब मैं आपको नेक्स्ट भाग में बताऊंगा कि वो कैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और मैं यहाँ पर कैसा कंट्रैप्शन लगाने वाला हूँ ताकि वो अलग अलग शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वहाँ पर आबादी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए उनको थोड़ा क्राउड कंट्रोल करने में हमें थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, तो ठीक है, और मैं डायमंड ओर 64 लेने वाला हूँ, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, डायमंड ओर कलेक्ट करूँगा। हो सकता है मैं आज भी स्ट्रीम करूँ और थोड़े से और डायमंड्स कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, या तो फिर किसी और चीज़ की स्ट्रीम करूँगा ट्विच पे, ठीक है। और ये जब 64 हो जाएंगे तो मैं इसे फॉर्चून 3 से माइन करूँगा, और देखते हैं हमको 64 डायमंड ओर में से कितने डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें रिसोर्स ज़्यादा और हो जाएंगे। ओके नाइस, तो इस भाग में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अब अगले भाग में, और हम थोड़ा और, ये थोड़े भाग थोड़े बोरिंग लगेंगे आपको क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं है, सिर्फ पावर रील्स लगाई हैं क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ही मैं उन रील्स को बना के पुट करते जाता हूँ, तो आपको ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके विलेजर्स को। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट सीज़न 2K, ठीक है। तो और अगले वीडियो में हम पावर रेल लगाएंगे और सारे विलेजेस को, सारे तो नहीं, धीरे धीरे लेकर आएंगे क्योंकि अभी हमारे पास ढेर सारे विलेजेस हो गए और हमको देखना है कि जो हमारे कितने उसमें से यूजफुल हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट भाग में। अंटिल देन, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।